ये भी महाविद्यालय में लगातार बारहवीं बारह के पास विद्यार्थी परिषद है। इससे साफ होता है कि छात्रों की विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काफी मिलती है और 11 वर्ष से जो लगातार कॉलेज में जीते हैं, तो इसका मतलब सारे छात्र संघ पदाधिकारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत काम किया है छात्रों के हित के लिए और छात्रों में विश्वास जिताया और इसी विश्वास के साथ हमें बारहवीं बारहवीं विजय बनाया है। धन्यवाद। दावेदारी की आपने की थी, जिसने एजेंडा बनाया था, उसको कैसे देखेंगे? बिल्कुल देखिए, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो एजेंडा था हमारा, विकास विकास विकास, तो कॉलेज कैंपस के अंदर जितने भी विकास होंगे, चाहे वो फर्नीचर के लगे हो, गर्ल्स टॉयलेट के रूम के लगे हो या अन्य समस्या, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे। आपसे जिस तरीके की आपके माध्यम से जीत हुई है, आपकी उम्मीद थी इसकी? जी बिल्कुल, मुझे अपने सारे बड़े छोटे भाई बहनों पर पूरा उनकी मेहनत पर पूरा विश्वास था और हमने जो 11 वर्षों से लगातार यहाँ पर कॉलेज में काम किया है, उससे छात्रों के प्रति, हमारे छात्रों का हमारे प्रति जो विश्वास था, ये उसी विश्वास की जीत है। देखिए, हम पिछले 5 वर्षों से उपाध्यक्ष जीतते आ रहे हैं, ये हमारा 6ठा वर्ष था चुनाव का। हमारे बड़े भाई दिवाकर दुबे, गौतम सिंह राजा, पूर्व उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा, इस समय अब पूर्व उपाध्यक्ष हिमांशु नेगी और हमारा पूरा शिवाय ग्रुप, हम एक पूरे परिवार की तरह रहते हैं कॉलेज में। पूरे साल भर छात्रों के हितों के लिए काम करते आते हैं, छात्रों की समस्याओं को उठाते आते हैं, इसी वजह से छात्र हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें को लगातार 6 साल से जीत दिलाते रहे हैं। इसमें दो व्यक्तियों का जो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, वो हमारे बड़े भाई दिवाकर दुबे और गौतम सिंह राजा। चुनौती वो कैसे देखेंगे, पूरा करने में चुनौती भरा काम होगा, कैसे देखेंगे? पहले बहुत सारे व्यूज थे कि छात्रों को लेकर ये सब करना चाहिए, अब जैसे कि मेरे पास एक पावर आ चुकी है, एक डेजिग्नेशन आ चुका है, तो उन्हीं कामों को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जिसमें कई सारी चीजें, कई पॉइंट्स हमने सोच रखे हैं कि मैंने सोच रखे हैं कि इन इन बिंदुओं पर काम करना आवश्यक है, उन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे और हर साल काम होता रहा है, मैं भी एक सो करूंगी कि मैं भी कॉलेज के लिए कुछ अच्छा ही कर सकूं, अब उसके हित के लिए कुछ काम कर सकूं, अगर बच्चों को कुछ भी, छात्रों को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पे आए, मैं उनके सॉल्व कर सकूं, तो मैं एक अच्छा नाम रोशन करना चाहूंगी। तो बहुत अहम जिम्मेदारी थी कोषाध्यक्ष की, तो लगता है कि जिम्मेदारी के काम आपको सौंपा गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस काम को पूरे अच्छे से कर सकूं, जैसे मैं सोचा है कि कर पाऊंगी, तो पूरी उम्मीद है कि कर सकूंगी मैं वो काम। इसके लिए हमारे प्राचार्य, हमारे ऑब्जर्वर थे जोशी जी, चुनाव अधिकारी खुद ही बड़े सक्षम और अनुभवी थे, डीके त्यागी जी, चीफ डॉक्टर हमारे मेजर अतुल सिंह जी, इन सबके सहयोग से चुनाव सफल हो पाया है। और साथ ही मैं बच्चों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बच्चे खुद भी काफ़ी समझदारी से उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और हमें किसी प्रकार का फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।